गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल NKS स्टडी पॉइंट पे। NKS स्टडी पॉइंट पर लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चारों टेंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, परफेक्ट मतलब समाप्त होना, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, और कंटिन्यूस मतलब जारी रहना, और टेंस मतलब कोई वर्ब या कार्य। इस समाप्त का मतलब होता है भूतकाल में शुरू होना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है। मीन्स कि अगर कोई वर्क ऐसा है जो ये भूतकाल में स्टार्ट हुआ, किसी काम को भूतकाल में मतलब पास्ट में स्टार्ट किया गया हो लेकिन वो प्रेजेंट में क्या हो, कंटिन्यूसली चल रहा हो, तो वो वाला कार्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है कि कोई कार्य या वर्ब भूतकाल में मीन्स पास्ट में शुरू हुई और वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जारी है। तो ये इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हो गई है कि कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ आगे देखिए आप, इसकी जो पहचान है हिंदी की पहचान मीन्स किसी वाक्य के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये है आपके से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, ये आदि शब्द। ये शब्द किसी भी सेंटेंस के पीछे आते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, तो वो वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब आप देखिए एग्जांपल में बताता हूं आपको। एक वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि ये वाला वाक्य कौन से टेंस में जाएगा, तो आप क्या करते हो कि पीछे जाते हैं अपन, वाक्य के अंत में रहा है लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही अपन ये देखते हैं तो अपने को एक चीज़ और समझ में आती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि सब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आते हैं। लेकिन आप इसे थोड़ा सा आगे आओगे, देखो ये शेर यहाँ पर दिख रहा है आपको, मीन्स इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंदर जो से है वो रहा है के साथ में नहीं आएगा, वो आगे पीछे कहीं पर भी आ सकता है। इसीलिए पूरा सेंटेंस में आपको निकालना पड़ेगा कि से रहा है, से रही है, से रहे, से रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसका मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब आगे देखिए, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, मैंने आपको बताया था ही, सी, इट और किसी का नेम, ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज और हैव लगाई जाती थी। यहाँ पर भी हैज और हैव ही आएगी लेकिन इनके साथ में बीन लगा हुआ रहेगा। तो इनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगाते थे तो हैज यहाँ पर भी लगेगा लेकिन यहाँ पर एक और आएगा आपका बीन, ठीक है जी। अब देखिए आगे, प्लूरल सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैव बीन, आ चुकी है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी भी टेंस में अगर कंटिन्यूस लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो इस टेंस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता आती है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इसमें परफेक्ट भी आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूस भी आ रहा है, तो परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? ये इसलिए नहीं आई कि पहले काम स्टार्ट हुआ है पास्ट में, मीन्स परफेक्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो लास्ट में चल रहा होता है वो वाली वर्ब लेते हैं। तो कंटिन्यूसली लास्ट में चल रहा है, वह दो घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है, दो घंटे से कर रहा है, दो घंटे निकल गए अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये प्रतीक्षा कर रहा है, ये कंटिन्यूस में चल रहा है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई, हिंदी की पहचान हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया और ये इसके रूल्स हो गए। अब देखते हैं इसके पैटर्न। देखिए पैटर्न आपका अफर्मेटिव का पैटर्न लिख रहा हूं मैं पहले, अफर्मेटिव आपका है क्या? सेंटेंस। जब भी टेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव की बात की जाए तो वो हमेशा आपका सेंटेंस माना जाता है, वो सेंटेंस होता है, वाक्य बनाते हैं वो। हिंदी का वाक्य और इंग्लिश का वाक्य कौन से पैटर्न पे लिखा हुआ रहता है, कैसे आधारित है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अफर्मेटिव में आएगा पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा हैज हैव, और फिर उसके बाद में आपको बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिंस और फॉर लगाना है, उसके साथ में आएगा आपका टाइम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस यहीं पे अगर आपको पता है सिंस और फॉर लगाना जान गए तो यहीं पे ये टेंस ख़त्म हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में खेल ही सिंस और फॉर का होता है। तो देखिए आगे नेगेटिव का पैटर्न लिखता हूँ मैं, आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हैज हैव, फिर इनके बाद में नोट लगाना है आपको, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ में टाइम। ये आपका हुआ नेगेटिव का पैटर्न, कुछ भी नहीं किया है, जो पहले काम करते आ रहे हैं वही किया है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके पीछे नोट लगाना था हमने लगा दिया, ये बीन पीछे आएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का पैटर्न ये कहता है पहले आपका आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपका आएगा हैज हैव, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बीन, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा सिंस या फॉर के साथ में टाइम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का पैटर्न। अब आप देखिए आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न, देखिए कुछ नहीं करना है, इस सब्जेक्ट के आगे नोट लगाना है। तो ये ऐसे कैसे आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे कैसे आ गया, हैज हैव भी ऐसे कैसे आ गया, सब्जेक्ट भी ऐसे कैसे आ गया, बस यहाँ क्या लगाना है, नोट लगाना है, बीन पीछे जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर आपका सिंस या फोर आ गया है, और इसके बाद में आपका आ गया है टाइम, और फिर पीछे आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न है। तो ये चारों पैटर्न इस प्रकार है, वापस देख लीजिए, अफर्मेटिव कहता है आपका जो अफर्मेटिव का पैटर्न है वो आपका कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर के साथ में टाइम। इस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सिंस और फोर ही है, सिंस और फोर के साथ जो टाइम आता है इसी को आपने पहचान लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाना बताता हूँ। जैसे राम, इसमें एक चीज़ और है, हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर कहाँ कहाँ तो सिंस लगता है, कहाँ कहाँ फोर लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब आपको सिंस और फोर लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए आगे
तो कौन कौन से टाइम के साथ फोर लगता है और कौन कौन से टाइम के साथ सिंस लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, फोर होता है, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मींस समय अवधि, समय की अवधि। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है टाइम, ठीक है। बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, किसी भी टाइम के पहले संख्या आ जाए तब फोर लगाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल के तौर पे, फोर टू आवर्स, अभी जो आवर्स है आपका टाइम है, इसके आगे टू लगा हुआ, ये टू संख्या है आपकी। आपको पता है TWO T2 मतलब दो, ये दो संख्या है, इसीलिए किसी भी टाइम से पहले अगर संख्या लग जाए, किसी भी टाइम से पहले अगर संख्या लग जाती है तो वहां पे फोर का प्रयोग करता है। आप चाहे हावर हो, चाहे अपना टुडे हो, चाहे डेज हो, चाहे नाइट हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर बीच में संख्या आ जाएगी पहले, टाइम से पहले संख्या आ गई तो फोर लगेगा। अब सिंस देख लीजिए आप, सिंस का ये होता है जहां पर अगर संख्या नहीं आती है किसी टाइम से पहले तो वहां पे फोर नहीं लगेगा, वहां सिंस लगेगा। अगर यहां पे आवर्स के पहले टू नहीं लगा हुआ रहता तो यहां पे फोर नहीं लगता, यहां केवल सिंस लगता, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूं, जहां फोर का प्रयोग नहीं होता है वहां सिंस का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंस 3 o'clock। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप घड़ी का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है और फिक्स टाइम आपका सेंस में आता है, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान तो है लेकिन घड़ी का टाइम जो भी है वो फिक्स होता है, इसीलिए सेंस लगता है इसके आगे, इसीलिए 3 o'clock। और आपका एक आता है सेंस 10 मार्च, किसी भी तारीख से पहले सेंस लगाते हैं क्योंकि साल में एक बार फिक्स होती है, 10 मार्च एक ही बार आएगी। इसके बाद में सेंस होली, होली दिवाली कोई भी उत्सव आए, पर्व आए आपके, तो वहां पे सेंस का प्रयोग करते हैं। और आगे देखिए, सेंस मॉर्निंग मान लीजिए, अब आप सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग, या फिर किसी सन आ जाए आपकी, आपकी ईयर आ जाए तो यहाँ पे सेंस लगाते हैं। तो सीधे से मुद्दे की बात यह है, आपको यह ध्यान रखना है किसी भी टाइम से पहले संख्या आती है तो फोर लगाना है, संख्या नहीं आती है तो सेंस लगाना है। अब आगे देखिए, अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं हिंदी से, इंग्लिश वाला है। देखिए, बाबा रामदेव 2001 से योग सिखा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि कौन से टेंस में जाएगा। तो आपको पता है से रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है, से रहे हैं। ये एक अपने रेस्पेक्टेड पर्सन है, इसलिए इनको रहे हैं, इनको सम्मानित के तौर पर रहे हैं लिखा जाता है। आप देखिए, आप से रहे हैं लिखा हुआ, से रहे हैं आपके किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के पैटर्न के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, अफर्मेटिव का पैटर्न जो कहता है मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, तो बाबा रामदेव पहले सब्जेक्ट है, तो ये बाबा रामदेव ये सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके साथ में हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये सिंगुलर है तो इनके साथ में लगेगा हैज, और उसके हैज के साथ में लगता है आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी।
ये सिखाना देखो ट्रेनिंग भी हो सकती है और लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी लर्न बता रहा हूँ, एल ई ए आर एन, लर्न के साथ में क्या लगाना है, आई एन जी। अब क्या सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, योगा, योगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ तक तो बना लिया, लेकिन इसमें सिंस और फोर भी आएगा। तो ये 2001 से सिखा रहे हैं, अब 2001 कोई ईयर आ गई, अब सन आ गई, तो मैंने कहा अगर इसके आगे कोई संख्यात्मक मान होता तब तो फोर लगाते, लेकिन नहीं है तो सिंस लगाइए, सिंस 2001 ये बन गया। अब मैं इसी को नेगेटिव में बनाना चाहूँ, बाबा रामदेव देव 2001 से योग नहीं सिखा रहे हैं तो क्या लगेगा, इस हैज के पीछे नोट लग जाएगा, तो ये क्या आएगा, बाबा रामदेव हैज नोट बीन लर्निंग योगा सिंस 2001, यही आएगा, ठीक है। अब अगर इसको इंटरगेटिव में बनाऊं तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले जाए, कोई सा भी लगा सकते हो आप, वाई आ गया, फिर इसके बाद में है जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा बाबा रामदेव पीछे जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्निंग आएगी, फिर योगा आ गया आपका, फिर सिंस या फोर में से सिंस आ गया, फिर 2001। तो ये ऐसे आ चुका है। अब इसकी अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो आप बना सकते हो आराम से, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, यहाँ पे नोट लगाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव में, बाकी सब ऐसा का ऐसा आता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हिंदी से इंग्लिश मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और किस प्रकार सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मैं आपको इसकी पहचान और प्रयोग बताता हूँ, आगे देखिए, देखिए बाप, ये आपका यूजेस जिसको आप कहते हो प्रयोग, और यहाँ पे पहचान इंग्लिश की। प्रत्येक टेंस के अंदर अपन यूज अलग पढ़ते आ रहे हैं और इंग्लिश की पहचान अलग से पढ़ी है, लेकिन ये टेंस ऐसा है जिसमें इंग्लिश की पहचान और प्रयोग दोनों सेम है। क्या सेम है, कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, एक चीज ध्यान में रखना है इतना सा कि इसमें क्या आना चाहिए, सिंस और फोर के साथ में क्या लगा होना चाहिए, टाइम, यही इसकी पहचान है इंग्लिश की और यही इसका प्रयोग है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको इसमें, जैसे देखिए ही, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, ही इज हार्ड फॉर टू इयर्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको इसका आंसर लिखना है, यहां पे इस रिक्त स्थान को ब्लैंकेट्स को ब्लैंक को क्या करना है, भरना है। तो आप करोगे कैसे, यही वही पहले से करते आ रहे हैं अपन, वही आपको ये सेंटेंस मिला हुआ है, इसको पहचानना है 12 टेंस में से कौन से टेंस में जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया अभी कि ये सिंस और फोर लगा हुआ, देखो फोर लगा हुआ और उसके बाद में टाइम लिखा हुआ है, फोर और टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो अब देख लीजिए कि चार सेंटेंस में से कौन सा होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव में से कौन से टेंस में जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे आगे नोट आता है तो नेगेटिव में जाता, क्वेश्चन मार्क आता तो इंटरगेटिव में जाता, नोट और क्वेश्चन मार्क दोनों आते तो इंटरगेटिव नेगेटिव में जाता, लेकिन ये तो केवल अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव में आपको पता है ही के बाद में हैज या हैव बीन लगता है, तो ही के साथ आप लगाते हो हैज, क्या लगाते हो हैज और बीन साथ में लगाना है। फिर आपको पता है कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा जो भी देगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देगा, तो ये यहाँ लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है वर्क, और इसके साथ में क्या लगाना है आईएनज। क्या आपका ऐसे आंसर हो गया। अब क्या होता है कई बार अपन बोर्ड एग्जाम के अंदर तो ऐसे आता है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आकर अगर आगे एग्जामिनेशन में आ जाए कंपटीशन एग्जामिनेशन में तो कैसे भरोगे इसको, तो इसको कैसे भरेंगे, देखो ये ऐसे होता है,
ये खालिस्तान ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वर्क हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी आएगा हैज वर्ड, ऑप्शन नंबर सी आएगा हैड वर्ड, और ऑप्शन नंबर डी आएगा हैज बीन वर्किंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको भी ये आंसर नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे देना है, वही प्रोसेस है अभी मैंने आपको पहले वाला जो बताया बोर्ड एग्जाम वाला, सेम वैसा का वैसा ही है। वहां पे आपको आंसर में लिखना होता है, यहाँ पे आंसर टिक करना होता है। तो देखिए वही 4 और 2 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, 4 और 2 ईयर्स आ रहा है, तो आपको पता है कि सिंस या फोर के साथ में जो भी सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे ही आप यहाँ से देखते हो, पहली चीज तो कंटिन्यूअस आ गया तो आईएनजी आएगी वर्ब के साथ में, ये आपको दिमाग में रखना है। आप आईएनजी देखो कहाँ लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, इसका मतलब आंसर यही आएगा। अगर ऐसे भी नहीं करो तो फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है, हैज बीन आती है, क्या हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देखो वर्क्स आ रहा है तो कैंसिल हो गया, हैज तो आ रहा है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, ये भी कैंसिल, हैड है ये तो हो ही नहीं सकता, और ये आपका आंसर फिर ये बचा। तो इस प्रकार इनको किया जाता है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे टेंस, और हमारे प्रेजेंट टेंस आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट जिसको आप सिंपल पास्ट भी कहते हो। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम टेंस में लगता है स्टूडेंट्स। टेंस जिसको आ गया उसको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, सेंटेंस कैसे लिखा हुआ वो भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन पास्ट टेंस। अभी के लिए शुक्रिया।